है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। अयोध्या परमो धर्म की आख्या गुरुवर श्री कुंज कुंज भगवान की आख्या गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की वर्तमान को
ओझल करने का कार्य स्मृति में होती है और स्मृति अतीत की होती है, प्रतीति में वर्तमान नहीं आ पाता। प्रतीति का अर्थ ज्ञान होता है, स्मृति भी ज्ञान है और वर्तमान का भी प्रत्यक्ष वह भी ज्ञान है, लेकिन स्मृति जिस समय होती है उस समय वर्तमान हमारा ओझल हो जाता है और स्मृति की बोझिल होती लगती है। और कुछ याद आता है उससे कुछ काम होता है। कैसे लग रहा है बताओ महाराज? दोनों ही बोझिल जैसे लग रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में हम है तो, लेकिन हमेशा हमेशा हम अतीत की ओर ही देखते रहते हैं अथवा एक आशा बनी रहती है तो भविष्य में ही वो गुजरता चला जाता है। प्राण को योजना बोलते हैं। योजना प्रत्येक ज्ञान के साथ होती तो है, लेकिन अतीत के साथ जुड़ने से वह एक प्रकार से फीकी फीकी नजर आती। अब हम इस विषय को थोड़ा सा और जटिल में मनोध्यान करने के लिए हैं। तो हम फ्लैश नहीं फ्लैश स्मृति को भी भूल जाते हैं और वर्तमान को ही मुख्यता दे देते हैं। बहुत अच्छा है, काल का संकल्प नहीं होता किंतु काल को मिलाने का प्रयास हमारे बुद्धि में होती रहती है। काल एक ऐसा पदार्थ है, वह हमेशा हमेशा एक समयवर्ती हुआ करता है। उसके साथ अतीत को हम जोड़ लेते हैं, उसके साथ हम अनागत को भविष्य को भी जोड़ लेते हैं। वस्तुतः काल जुड़ता नहीं, क्योंकि काल जुड़ जाए तो वह एकमात्र वर्तमान की ही प्रतीति करेगा, अतीत अनागति नहीं कर पाएगा। दो व्यक्ति हैं, मित्र हैं, बहुत दिन के बाद मिले हैं और उसी बीच में एक मित्र ने मित्र को दकार आ गए। दकार समझते हैं? अब इसके लिए अलग होती है, दकार अलग होती है। अब दकार मतलब उपेक्षा की दृष्टि से उसका मन ख्वार ले रहा है। इसमें वर्तमान में दकार है लेकिन स्वाद भी है, लेकिन भूल को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता। हमने कहा था उनको
ये मत लो जिससे तबीयत आपकी वैसे ही अच्छी नहीं है और बिगड़ न जाए। नहीं नहीं सब ठीक हो जाए फिर तो वो क्या खाया था ये प्रश्न उठता है जो खट्टी लगा रहा है। सही बताओ खट्टी आने से खट्टी लगा रहा है जान ऐसा कोई एकांत नहीं। अपच की दकार खट्टी आती है लेकिन वह अच्छी अच्छी चीजें खा ली स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखा इसलिए वो मीठी भी खट्टी बन करके आ गए है ना। अब समझिए थोड़ा थोड़ा आने लगा हमारा दूसरे को भी उसी समय डकार आ गए मित्र को और जिसको खट्टी लगाया आएगी वो पूछता है मित्र तुमको भी डकार आ गए लेकिन तुम तो मुस्कान दे रहे हो इस डकार के राज तो बताओ। तो उसने कहा नफा खुदा और हमने मुक्त मिल रहा था फिर भी ज्यादा बोलो ना लोभ में नहीं आया इसलिए इसलिए क्या दबा तो आ रही दबा आना तो अनिवार्य है। वह एक संदेश भेज रहा है वह एक संदेश भेज रहा तुम्हारे भविष्य ठीक नहीं है जो पहले लगा लिया था बाद में तो आया उसे तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है तुम तो सुधरे हुए हो सामने वाले मित्र को भी सुधारने के लिए या तो प्रासंगिक डकार बहुत अच्छा है उसकी भी डकार सुधर सकती है। कैसे सुधर सकती है नफा सुधा यदि हम उसको उपयोग में लाते हैं तो हो जाएगा। अजीत और अनावर इन दोनों कारणों के साथ जब हमारा उपयोग जुड़ता है ऐसे ही कुछ शुभ और अशुभ डकार देने वाले कर्म हमारे से जुड़ जाते हैं। कर्मों का जुड़ना यह अनिवार्य है क्योंकि जब कि हम लोग अपने उपयोग को कहीं न कहीं से जुड़ जाते हैं जोड़ देते हैं वर्तमान में भी अशुभ के साथ जोड़ देते हैं और अनागत में भी अतीत में भी जोड़ा था और अनागत में भी योजनाबद्ध कार्यक्रम वही होना है। इससे त्रैकालिक हमारा जुड़ना अन्य पदार्थों के साथ हमारे जीवन की एक प्रकार से खराबी अथवा भविष्य में होने वाला जो पतन हम चाहते हैं उत्पतन चाहते हैं पतन नहीं चाहते हैं। बच्चों के खेल में एक पतन का खेल होता है बच्चा चाहता है हमारा पतंग और उड़े और उड़े और दूसरे के पतंग को वह नीचे देखना चाहता देखो गिर गए गिर गए गिर गए अटल है अटल है अटल है अब तो हमारे हाथ ही बनने वाले हैं। तो इस प्रकार उनका मन खेल उनको होता है लेकिन वस्तुतः हमारे खेल में क्या अंतर आ रहा है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं
सिद्धता के कारण क्या। हम जो किसी समय कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं वो दशा के रूप में हमारे सामने आते हैं। दोनों इतने खाली हैं लेकिन संस्कार आ रहे खाए हुए के उसके कारण पुनः मन चलापन हो जाता है। तो यह अतीत के साथ जुड़ने के उपरांत में अशुभता का अनुभव होने के उपरांत में लोभ के कारण वह पुनः उसके साथ जुड़ जाता है। यह स्मृति और विस्मृति ये दोनों भी हम लोगों के लिए अशुभ अथवा शुभ को मानने के लिए कारण बन जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं जो हो गया तो हो गया, राख रही को, राख रही को आचार्य ने पंक्ति पढ़ी थी हमें, जो हो गया तो हो गया, चलो अब जो शेष रह गया है राख रही को, शेष रह गया है उसको रखो और सामने उसके बारे में करने योग्य कार्य करो। बहुत अच्छी पंक्ति है ये हम लोगों के लिए भी। आचार्य ने हो गया हो गया हो गया, गलती हो गई, किंतु वर्तमान में अब ये सोचो भविष्य में ना हो। भविष्य अभी है ही नहीं लेकिन होना ही, जो हुआ अतीत में हो जाएगा तो उधर से अनागत प्रतीति में आ रहा है। जो आप फिल्म वगैरह देखते हैं ना, सिनेमा जिसको बोलते हैं, तो एक ही फिल्म देखता है एक बार में, एक ही दिखता है, किंतु उसमें सांसद कंटिन्यूटी जिसको बोलना चाहिए सतर्कता होने के कारण, उसमें वेग होने के कारण एक फिर के साथ साथ दूसरा और आता, तीसरा और आता है, हम उसको समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार वह चलता हुआ नजर आता है। एक चित्र होता है अजर होता है और एक चित्र होता है वो चरण क्रम से होता है। चरण क्रम को तो आप सिनेमा बोलते हैं और अचल को आप फोटो अथवा चित्र बोलते हैं। चित्र भी कहते हैं तो हम रील को फिल्म को न दे करके एक ही चित्र रखें तो अवश्य हमें बोध हो सकता है और हमारा अनुभव उसमें हमें अपना स्वरूप बता सकता है। तीन को जब मिलता है कम से कम भी वीर के कार्यक्रम चलने के लिए 16 चित्र की आवश्यकता है, ऐसा हमने सुना था। 16 चक्र जो बनता है वह एक रेखा से नहीं बनता, दो रेखा से थोड़ा सा चालू हो जाता है, फिर तीन रेखा खींचने के उपरांत षटकोण आ जाता है, चार आ जाता है तो उसमें अष्टकोण आ जाता है। हमें 16 तक ले जाना है, चार और रेखा खींचो तो 8 रेखाएं एक वस्तु में जो खींच जाती है एक सरल रेखा के साथ, तो उसमें 16 का हो जाता है, उसको हम चक्र कहते हैं। समझने के लिए वो घूमता नहीं लेकिन हम उस चक्र को देखें तो वह घूमता हुआ सा नजर आने लगता है। तो वह घूम लेगा तो आप क्यों घूम रहे हैं, आपका उपयोग आपका माथा घूमता जग जाता है, क्योंकि दृश्य अचर होते हुए भी
दूसरे पहलू ज्यादा ज्यादा होते चले जाते हैं। विचारों में ऐसा ही होता है, एक ही जीवा चक्र न घूमते हुए माथा घूमने लग जाता है। आप और हम सब लोग माथा घुमाने वाले नहीं हैं। हर पदार्थ को देखते समय हमारा माथा घूम जाता है, वह हमारे ये बने तो घूमता हुआ चक्र भी यदि ये बन जाए तो स्थिर भी लग सकता है। जो बहुत जोर से घूम रहा चाक उस समय एक भी पहलू नहीं देखने को उपलब्ध होता है और इतनी तेजी के साथ वह घूम भी रहा है लेकिन नजर यह आता है यह चाक घूम नहीं रहा किंतु चाक बिल्कुल खड़ा है। यही बोलते हैं राम और द्वेष से अतीत होने के उपना किसी पदार्थ को देखने के उपरांत में जिसके मस्तिष्क में या उपयोग में राग नहीं होते तो वह सब कुछ अचल नजर आ जाता है। अथवा यूं कहना चाहिए कि इसमें कोई तथ्य है ही नहीं, ये हमारे काम में नहीं आता। यदि पकड़ने के लिए चला जाता है तो उसमें जो चार में आए थे तो उसके कारण उंगली काट जाती। समझ रहे हो आप? अपने ही दिमाग से उंगलियों को कटवा रहे हो। देखने योग्य था देख लो, पकड़ने योग्य नहीं है। पकड़ करके देख लेते हैं, वैसे देखना था और देखने योग्य है तो पकड़ करके देखना ये गलत हो जाता है। देखना गलत नहीं है। हमारे सर्वज्ञ प्रभु सबको देख रहे हैं और हम धो रहे हैं कुछ नहीं दिखा रहे, फिर भी हम गिर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम पकड़ जाते हैं। वस्तु को वस्तु के रूप में जानो, उसको पकड़ करके मानते हो और पकड़ भी ऐसी है कि दूसरे के लिए जी की हमारे पकड़ में आ जाए और वह देखता ही रहे और हम न देखें। ये कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को छोड़ करके दूसरे को पकड़ में जो लगे हैं यही हमारे अतीत और अनागत में उलझन के लिए कारण है। उसके फलस्वरूप कभी खट्टी दकार आती है और कभी खीर की मीठी दकार आ जाती है। मेहंदी खाओ तो खट्टी आएगी लेकिन गर्मी के दिन में वो भी ठीक है। समझे स्वस्थ रहने के लिए तो यह अर्थ हुआ हम भी वहीं पर है और ज्ञानी ज्ञानी लोग भी वहीं पर हैं लेकिन हमारा उपयोग हमारा मन आपे में नहीं है और वो आपे में ही। आप क्या मानना चाहते हैं? आपको उत्तर दो, आपने आना चाहते, हम दूसरे को आपने में लाना चाहते महाराज हैं, हम दूसरे को आपने में लाना चाहते हैं तो वो भी आपको आपने में लाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया तो ये हो गया हमने अपने आप को आपने मिलाए और सारे सारे लोग आपने मिलाए संसार मुक्त हो जाएगा। दूसरे की चक्कर हम उसको उनसे ठिकाने लगा जाते आओ और आप ठिकाने में हैं। ये सोच हमारे दिमाग में दुनियादारी की फितूरियां हैं और चाहते हैं सारी सारी लोग ठिकाने पर आ जाए, कोई ठिकाने पर नहीं।
आने पर भी वो लोग जो दुनिया के चक्कर से ऊपर उठ जाता है उन ठिकाने पर है। और क्योंकि उसका दिमाग ठिकाने पर है, इतना ही अंतर है हम में और प्रभु में। वो हमारे चक्कर में नहीं, किंतु आप घूम रहे हैं इतना तो देख रहे हैं, लेकिन आपको पकड़ना नहीं चाहते। प्रभु बनने का अर्थ ज्यादा मेहनत नहीं है, किंतु समझने की बात है। हाँ, अब तो कम से कम समझ ले कि हमारी कतार का कारण क्या है। खर्च की कतार आ जाए तो समझ जाए। कोई कहता है खर्च की कतार आ जाती है, वे लोग कहते हैं एक दिन लंगर कर लो सब ठीक ठाक हो जाएगा। लंगर का अर्थ ये तो उल्लंघन हो जाएगा। लंगर था कठिन लग रहा, भगवान को अनंत काल के लंगर करने वालों में आ गए। एक बहुत वैचित्रपूर्ण परिणाम है, साहस की आवश्यकता है। और एक बार साहस कर ले तो उसको किसी प्रकार से डर लेती नहीं रहती, चिंता नहीं रहती। हम अपने आप को जो कि अजीत बनारस के साथ जोड़ते रहते हैं, यही कष्टकारक होते हैं। हम भूलना चाहे तो बहुत अच्छा है, और यदि स्मृति में फिर भी आ रहा है तो उसकी स्मृति का उपयोग और प्रयोग कर लो, बहुत ही अच्छा। सब भूल जाओ या उसमें बच्चे नहीं आओ, कहने वालों के बच्चे नहीं कहेंगे कुछ नहीं होता। वस्तुतः सार नहीं है कि जब जमा लेता है विश्वास हो जाता है अमल में जाता है तो फिर किसी प्रकार की बात नहीं होती। वह व्यक्ति शरीर को भी जब भूल जाता है अधिक वो अनारत को सबको भूलने में आ जाता है। विषयों की अपेक्षा से तो शरीर को भूल करके भी विषयों को ठिकाने में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो वह हमारे लिए अभिशाप का काम कर जाते हैं। और संचिंद के विषय एक पति के स्वभाव के अनुसार है, परिणत हो रहा है वस्तु का, ऐसा समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी अब प्रभु बनने वाले हैं। इतना ही पर्याप्त है। आप तो नित्य नए, कुछ लोग वही पुराने आते हैं और कुछ नए नए आते हैं। पर्याय और धर्म और गुण इनके समझ के लिए ऐसा ही होता रहता है। कुछ तो बहुत अच्छे रहते हैं, जो हमारे मित्र आए और हमारे बहुत दिन जुड़े हुए थे, वो परिवार वाले वहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, विदेश में रहते हैं। विदेश में रहना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी गति में गए हैं वो भी विदेश तो है, नहीं समझे, वो भी दूसरी गति में गए हैं। वो यदि घर में आ जाए तो क्या करना तो बताओ। भैया ये तो ऊपरी उपासना है, आपका ही सबस दूसरे देश में जाकर के रह रहा, क्या उसको आप मनाना नहीं चाहते हो क्या? मना उसको तो हम भुलाना चाहते हैं। वो आज नए बाप हम घर में रह नहीं पाएंगे क्योंकि उसके साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं।
करके आ गया, समझ में आ गया, इसलिए भूल जाना ही ठीक है। लेकिन वो कहता है आप भले भूल जाओ, मैं भूल नहीं सकता। तो वो उसके उत्तर दिया जा सकता, देखो ऐसे दोस्त याद करना ठीक नहीं, आपका भी अतीत आपकी भी गाथा अतीत की है, हमारी भी है। अब हम अपने आप को समझ लें, देश विदेश की बात भूल जाए और स्वदेश की बात याद कर लें। स्वदेश का भारत नहीं है और याद करना, स्वदेश का मात्र अपने आप को जानना। सब संघर्षों का उपमान है अहिंसा।